Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at Tag TV. Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे का सिलसिला जारी। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 721 नए केसेस रिपोर्ट। लॉन्ग टर्म केयर होम्स में पाबंदी में इजाफा कर दिया। चीन में कैद कैनेडियन शहरी जिसे सजाए मौत सुनाई गई है, उन्हें जनवरी के बाद से पहली कौंसलर रिसाई हासिल होगी। चीन में स्मगलिंग ऑपरेशन में मरकजी किरदार अदा करने के मुजरिम करार पाने के बाद नवंबर 2018 में शैलनबर्ग को इब्तदाई तौर पर 15 साल की सजा सुनाई गई थी। नया कोविड रेंट रिलीफ प्रोग्राम अगले महीने तक बहरान का शिकार कारोबारी इदारों की मदद नहीं करेगा। माहिरीन का कहना है कि हकीकत बनने के लिए कानून साजी की जरूरत है। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी तलाक के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 189,387 हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3,88,13,780 तक जा पहुंची है। इस मौजी वायरस से हलाकतें 10,98,000 से तजावज़ कर गईं, जबकि 2,91,61,895 कोरोना मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। हम योमिया 5,000 अफराद खो रहे हैं। आलमी इदारा सेहत के चीफ साइंसदान का कहना है कि केसेस ज़्यादा और अमवात की शरह में कमी पर मुतमईन नहीं होना चाहिए। कोरोना वैक्सीन तैयार ना की जा सकी और करोड़ों इंसान इस वबा का शिकार हो गए। चीनी सदर शी जिनपिंग की चीनी फौज को जंग के लिए तैयार रहने की हिदायत। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चाको चौबंद रहते हुए पूरे खुलूस और वफादारी के साथ जंग के लिए तैयार रहें। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर आला क्लीन क्वालिटी 75% फूड ग्रेड अल्कोहल नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा 905-956-6699 फॉर फैमिली लॉ रियल एस्टेट विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा 905-956-6699 पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा 905-956-6699। ऑन्टेरियो के महकमा सेहत के अहदेदारान का कहना है कि कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के सबब हैमिल्टन और यॉर्क के इलाकों में सख्त पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रहे हैं। सुबह भर में रोज़ाना टेस्ट किए जाने वाले टेस्ट की तादाद में कमी के बावजूद बड़ी तादाद में कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 721 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे भर में रोजाना टेस्ट किए जाने वाले टेस्ट की तादाद में कमी के बावजूद बड़ी तादाद में कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। जबकि सूबाई हुकूमत ने टोरंटो, पील और यॉर्क रीजन के लॉन्ग टर्म केयर होम्स में पाबंदियों में इजाफा किया है। सूबे में रोजाना किए जाने वाले टेस्ट का हदफ अक्टूबर के वस्त तक 50,000 मुकर्रर किया गया था। ताहम गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 92,000 टेस्ट किए गए। वज़ीर सेहत क्रिस्टियन एलिट का कहना है कि बुध के रोज टोरंटो में 270, पील रीजन में 170 और यॉर्क रीजन में 79 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे की महकमा सेहत के अहदेदारान का कहना है कि कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के सबब हैमिल्टन और यॉर्क के इलाकों में सख्त पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रहे हैं। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी के लिए 100 आरजी कॉन्ट्रैक्टर्स को भर्ती किया जाएगा। कनाडा की जानिब से हवावे के एग्जीक्यूटिव मैंग वेंजू को गिरफ्तार करने के बाद शैलनबर्ग पर दोबारा मुकदमा चलाया गया था। जनवरी 2019 में उन्हें सजाए मौत सुनाई गई थी। कनाडा की जानिब से सजाए मौत की मजम्मत की गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
चीन में कैद कैनेडियन शहरी जिसे सजाए मौत सुनाई गई है उन्हें जनवरी के बाद से पहली कौंसलर रसाई हासिल होगी। चीन में कैनेडा के सफीर डोमैंग बार्टन को वर्चुअल कौंसलर रसाई दी जाएगी। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि कैनेडियन कौंसलर हुकाम शैलनबर्ग के अहले खाना को कौंसलर खिदमात फराहम करते रहेंगे। कैनेडा ने रॉबर्ट शैलनबर्ग की सजा में नरमी का मुतालबा किया है, जैसा कि हम सजाए मौत का सामना करने वाले तमाम कैनेडियंस के लिए करते हैं। चीन में स्मगलिंग ऑपरेशन में मरकजी किरदार अदा करने के मुजरिम करार पाने के बाद नवंबर 2018 में शैलनबर्ग को इब्तदाई तौर पर 15 साल की सजा सुनाई गई थी। ताहम कैनेडा की जानिब से हुआवे के एग्जीक्यूटिव बैंग वेंजू को गिरफ्तार करने के बाद शैलनबर्ग पर दोबारा मुकदमा चलाया गया था। जनवरी 2019 में उन्हें सजाए मौत सुनाई गई थी। कैनेडा की जानिब से सजाए मौत की मजम्मत की गई। चीनी अहदेदारों ने इसकी तर्दीद की है कि इस मुकदमे का मैंग की गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं। कैनेडियन फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट बिजनेस की नायब सदर लॉरा जॉन्स का कहना है कि ये वाकई चैलेंजिंग है। हमने कारोबार मालकान से सुना है वो दोस्तों और कुंबे से कर्ज ले रहे हैं, वो बैंक जा रहे हैं लेकिन वो ज़्यादा कर्ज लेने में वाकई बेचैन हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। माहिरीन का कहना है कि नया कोविड रेंट रिलीफ प्रोग्राम अगले महीने तक बहरान का शिकार कारोबारी इदारों की मदद नहीं करेगा। इमदादी प्रोग्राम अक्टूबर तक रद्द अमल का मुजाहरा करेगा, लेकिन हकीकत बनने के लिए कानून साजी की जरूरत है। कैनेडा के एक मुमताज कारोबारी ग्रुप का कहना है कि वफाकी हुकूमत अक्टूबर में छोटे कारोबारों को किराया और रहन से मुतालिक रिलीफ की पेशकश के लिए तैयार है, लेकिन ये रकम नवम्बर तक कारोबारी मालकान के हाथ में नहीं आएगी। कैनेडियन फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट बिजनेस के नायब सदर लॉरा जॉन्स का कहना है कि ये वाकई चैलेंजिंग है। हमने कारोबार मालकान से सुना है वो दोस्तों और कुंबे से कर्ज ले रहे हैं, वो बैंक जा रहे हैं लेकिन वो ज्यादा कर्ज लेने में वाकई बेचैन हैं। वाज़ह है कि वफाकी हुकूमत ने इस वबा के दौरान छोटे कारोबारों को किराए के अखराजात पूरे करने में मदद के लिए एक नए सिरे से तैयार करदा प्रोग्राम का ऐलान किया था। कनाडा में क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 88,994 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,664 हो गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तला के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 189,387 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,664 है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 88,994 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 5,970 तक पहुँच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 61,413 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 3,017 है। अल्बर्टा में 21,199 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 287 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 10,892 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 250 है। दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं। इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। अमरीका में इस वायरस से अब तक 2,21,872 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 81,53,740 हो चुकी है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं। इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3,88,13,780 तक जा पहुंची है। इस मूजी वायरस से हलाकतें 10,98,000 से तजावुज कर गई, जबकि 2,91,61,895 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस के एतबार से 10 सरफहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से जायद आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहाँ इस वायरस से अब तक 2,21,872 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 81,53,740 हो चुकी है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जहां कोरोना से 1,11,337 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासर मरीजों की तादाद 73,09,164 हो गई। कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील तीसरे नंबर पर चला गया है, जहाँ यह वायरस 1,51,779 जिंदगियां निकल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 51,41,498 तक
जा पहुंची है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 23,491 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 13,54,163 हो चुकी है। फहरिस्त में 10वें नंबर पर फ्रांस पहुंच चुका, जहां कोरोना वायरस की वबा से मजमुई अमवात 33,000 से तजावुज कर गई हैं, जहां इस वायरस के अब तक कुल केसेस 7,79,063 रिपोर्ट हुए हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 21वें नंबर पर है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 5,108 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,40,590 तक जा पहुंची है। WHO के चीफ साइंसदान डॉक्टर सोमिया स्वामी नाथन ने COVID-19 से मुतालिक कहा है कि आलमी सतह पर कोरोना वायरस के नए केसेस में इजाफे का मतलब अमवात में भी इजाफा होगा। कोरोना वायरस के नए केसेस में इजाफे का मतलब अमवात में भी इजाफा होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी इदारे सेहत के चीफ साइंसदान ने कोरोना केसेस में इजाफे पर तश्वीश का इजहार करते हुए कहा कि हम यौमिया 5,000 अफराद खो रहे हैं। कोरोना वायरस के मोहलिक तरीन वबा दुनिया भर में मुसलसल तबाही फैला रही है, जिसकी तबाहकारियों से इंसानों को बचाने के लिए दुनिया भर के साइंसदान और माहिरीन वैक्सीन की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन 11 माह गुजरने के बावजूद कोरोना वैक्सीन तैयार न की जा सकी और करोड़ों इंसान इस वबा का शिकार हो गए। WHO के चीफ साइंसदान डॉक्टर सोमिया स्वामीनाथन ने COVID-19 से मुतालिक कहा है कि आलमी सतह पर कोरोना वायरस के नए केसेस में इजाफे का मतलब अमवात में भी इजाफा होगा। डॉक्टर सोमिया स्वामीनाथन ने कहा कि कोरोना वायरस के बायस हम यौमिया 5,000 अफराद को खो रहे हैं। केसेस ज्यादा और अमवात की शरह में कमी पर मुतमईन नहीं होना चाहिए। ताइवान को हथियारों की फरोख्त और कोरोना वायरस के बायस चीन और अमेरिका के माबैन कशीदगी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। चीनी सदर ने फौज को पूरी तवज्जो और तवनाई के साथ जंग के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीनी सदर ने फौज को पूरी तवज्जो और तवानाई के साथ जंग के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी है। चीन के सरकारी खबर रसा इदारे के मुताबिक मंगल को हांगकांग की सरहद से मलहका सूबे ग्वांगडोंग में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मैरीन कोर का मुआयना करने के मौके पर सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चाको चौबंद रहते हुए पूरे खुलूस और वफादारी के साथ जंग के लिए तैयार रहें। अमेरिकी न्यूज नेटवर्क CNN के मुताबिक सदर शी जिनपिंग के ग्वांगडोंग सूबे के दौरे का असल मकसद 1980 में कायम होने वाले शेंजन इक्तिसादी जोन की 40वीं सालगिरह में शिरकत था। चीन को दुनिया की दूसरी बड़ी मौशी कुवत बनाने में यह इक्तिसादी जोन बुनियादी अहमियत रखता है। ताहम ताइवान को हथियारों की फरोख्त और कोरोना वायरस के बायस चीन और अमरीका के माबैन कशीदगी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है, इसलिए दौरे में फौज दस्ते के मुआयने के मौके पर चीनी सदर की तकरीर को अहमियत दी जा रही है। वाज़ेह रहे कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा करार देता है और इसीलिए अमेरिका के इससे बढ़ते हुए ताल्लुकात चीन के लिए हमेशा नापसंदीदा रहे हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने न सिर्फ ताइवान के साथ सिफारती और इक्तिसादी मरासम बढ़ाना शुरू कर दिए हैं, बल्कि चंद रोज कबल इसे जदीद हथियार और रॉकेट सिस्टम फरोख करने की तजवीज कांग्रेस में पेश की गई है, जिस पर रद्द अमल जाहिर करते हुए चीनी दफ्तर खारजा अमरीका को ताइवान के साथ अस्करी लोकात इस्तवार करने से बाज रहने की तंबी की थी। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कैनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी। सब्सक्राइब टैक टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।